हे गाइस, कैसे हो यार सभी। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं एक सबसे ज्यादा न्यू गेम। इस गेम का नाम है एल्डन रिंग। और भाई साहब, पता नहीं इंडिया में कितने लोग इसको खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे हैं, बट ये गेम बिल्कुल न्यूली रिलीज हुआ है यार, एक महीना कुछ हो रहा होगा, और बाहर में इस गेम को बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। मतलब लोग तो यार इसके ऊपर मीम्स पे मीम्स बना रहे हैं यार, फनी फनी मीम्स आ रहे हैं। एंड पता नहीं यार क्यों लोग इसको इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैंने इसका गेम प्ले देखा था, गेम प्ले तो यार बहुत ज्यादा सही लगा। मतलब उसके अलावा भी तो कुछ और होगा ना जिसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं, सिर्फ गेम प्ले ग्राफिक्स की वजह से तो नहीं पसंद कर रहे हैं, कुछ तो इसके पीछे यार वजह होगा। तो मैंने थोड़ा सा पता किया तो यार पता चला ये थोड़ा सा मतलब गॉड के ऊपर गेम है, थोड़ा गॉड रिलम, अलग अलग रिलम्स में जाना है एंड अलग अलग माइथोलॉजी वगैरह इसमें होने वाला है। तो मैंने सोचा बस इतनी छोटी सी चीज़ के लिए यार इतना ज़्यादा लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, कुछ तो अलग बात होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसको खेल कर ही देखते हैं। तो यार आज से इस गेम की सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू भाई इसको मैं सीरीज बाय सीरीज लाने वाला हूँ, इसको खत्म करने वाला है। बट अगर ये गेम मुझे पसंद आता है तो, एंड आपको गाइज सबसे जरूरी आप लोगों को है मेरे से ज़्यादा, सो या फटाफट चलो यार पहले तो हम गेम को स्टार्ट करते हैं। तो लिख रहा है भाई प्रेस एनी की, तो ओके भाई फटाफट से हम प्रेस एनी की कर लेते हैं एंड अभी गेम हमारा खुल रहा है। ओके गाइस, गेम खुल चुका है यार। फटाफट से पहले तो मैं सेटिंग्स देख लेता हूँ, सेटिंग्स में ग्राफिक्स वगैरह कैसे हैं। सो यहाँ पे मैं ग्राफिक्स के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स यार अपना 1080p के ऊपर है एंड एडवांस में जाए तो सारी चीज़ें बिल्कुल हाई एकदम मैक्सिमम कर रखा है मैंने, सो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ग्राफिक्स काफ़ी सही है। बाकी चलो यार फटाफट से गेम स्टार्ट करते हैं यार, अभी गेम के मजे लेने हैं। और यहाँ पे मुझे अपना भाई कैरेक्टर चूज करने का मौका दे रहा है, यहाँ पे मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। ओके, इतने सारे कैरेक्टर है भाई, किसको चूज करूँ यार। मतलब मैं फीमेल तो नहीं चूज करने वाला ऑब्वियसली, कौन सा रहने वाला है भाई अपना, कौन सा मस्त लगेगा, इसको मैं चूज़ करता हूँ यार, कॉन्फेसर करके इसका नाम है, टाइप ए मतलब हमारा मेल रहने वाला है। बाकी भाई साहब मैं नाम रख लेता हूँ फटाफट से, सो ये हमारा नाम यहाँ पे इंटर होगा भाई उज्जवल, फटाफट से ये टाइप हो गया इंटर। एंड उसके बाद बॉडी टाइप, एंड यहाँ पे मैं यंग रखने वाला मैच्योर, और भाई एज्ड तो भाई हम रखने वाले हैं मैच्योर, बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं रहने वाला है। बाकी यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है, गोल्डन सीड वगैरह, ठीक है इसको रहने देते हैं। अरे यार ये तो नंगा हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं बॉडी टाइप भी सेट कर सकता हूँ, अच्छा ऐसे करके, बट छोड़ो यार बॉडी टाइप नहीं सेट करना है अपना भाई, यही ठीक है। तो चलो यार फटाफट से फिनिश करते हैं इसको हम एंड अभी गेम के अंदर आते हैं। भाई साहब गेम स्टार्ट हो गया है, अभी कट सीन चल रहा है जिसमें स्टोरी को भाई स्टार्ट किया जा रहा है। तो एक काम करते हैं भाई, थोड़ा स्टोरी को हम समझते हैं। ओके गाइस, देख सकते हो यार मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ, हमारा जो कैरेक्टर हमने चूज किया था हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है कैरेक्टर, भाई इसके पास तलवार वगैरह काफी सही लग रहा है यार। तो चलो यार सामने एक गेट है, यहाँ से खोल के भाई बाहर के साइड निकलते हैं। तो ये मैंने गेट खोला, क्या लिख रहा है, ओपन्स ओनली टू डोज कैरिंग ए फिंगर। अच्छा मेरे को फिंगर चाहिए, तो फिंगर कहाँ से मिलने वाला है, ये क्या है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, सो भाई यहाँ पे अपने को प्रेजर, ओके ओके नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे हमें अंगूठा मिल चुका है, इस लेडी का हमने अंगूठा काट लिया है। भाई खोलते हैं इस दरवाजे को फटाफट से। ओके भाई काफ़ी ज़्यादा भाई भारी भरकम दरवाजा है, देख रहे हो भाई बड़ा मुश्किल से खुल रहा है। उसके आगे एक अलग ही भाई दुनिया रीलम है। ओ ये क्या है यार, पेड़ है, एक पेड़ है, यानी पेड़ पे इतनी लाइटिंग वाइटिंग क्यों यार, बड़ा मस्त लग रहा है बिल्कुल, देख रहे हो सीन कितना सही लग रहा है। बाकी यहाँ पे कहीं पे मुझे पावर वावर कलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अच्छा ये सब चीज़ें तो मैं तोड़ सकता हूँ नॉर्मली, जैसे कि भाई जितने भी गेम होते हैं उसमें यहाँ पे पावर वगैरह मुझे मिलता है, एनर्जी वगैरह। सो ये भाई कुछ नहीं मिला यहाँ पे, खाली है सब। तो भाई साहब भागो यहाँ से, यो जल्दी चलो, अबे हो गया भाई तलवार मत चला, मैं ही टीप रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ क्यों चला रहा है। चलो भाई साहब तो यहाँ से हम चलने वाले हैं, और भाई ग्राफिक्स तो इस गेम के मुझे पसंद आए हैं बिल्कुल। बाकी चलो यार फाइट वगैरह करते हैं फटाफट से, किससे फाइट करना है क्या करना है समझते हैं। बाकी गेम का सीनरी देख रहे हो यार कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, यहाँ का सीन देख रहे हो, और ये पेड़ का पता नहीं क्या सीन है, उस पेड़ पे जाना है क्या हमें। हमारा कैरेक्टर भाई खतरनाक लग रहा है, देख रहे हो भाई कैसे उड़ रहा है, इसके पीछे का एरिया बिल्कुल मस्त लग रहा है यार। बाकी चलो यार चलते हैं इस वाले दरवाजे के अंदर एंड भाई देखते हैं अंदर में क्या होने वाला है। भाई पेड़ वेड़ का मतलब अलग सीन है यार, मतलब नॉर्मल जो हमारा भाई अर्थ होता है ना वैसा नहीं है यार, कुछ अलग ही लग रहा है। तो यार गॉड से रिलेटेड गेम है तो वैसा ही कुछ होने वाला है। और ये किसकी भाई मूर्ति बनी हुई है, ओके एक मिनट यहाँ पे कोई आ रहा है। अबे भाई 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 भाई, भाई फाइट सीन, फाइट सीन, ग्राफ्टेड सीजन भाई, अबे तेरे को देख लूँगा, मेरे को मारता हूँ। ओ भाई इसका हेल्थ कितना ज़्यादा, अबे अबे मार देगा ये तो मेरे को, मार तेरे को छोड़ूंगा नहीं, रुक 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 रुक, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। भाई क्या हो गया, अंधेरा क्यों हो गया इतना। ओके गाइस पता नहीं अभी क्या हुआ, अचानक से अंधेरा हुआ और भाई साहब एक कटसीन हमें शुरू हो गया, ये घोड़ा पता नहीं आ रहा है मेरे पास, और भाई मुझे इसने यार पीटा है क्या यार भाई, इधर अचानक से भाई अंधेरा हुआ और मैं इधर आके गिर गया, भाई मैं ही हूँ ना, और ये घोड़ा कौन है भाई साहब। मतलब चलो यार अपना घोड़ा है लगता है, आर डी आर की तरह कोई सीन होने वाला है, अपने घोड़े पर चलना होगा। डोंट वरी टोरेंट फॉर्च्यून इज ऑन हार्ड साइड। ये कौन है भाई, ये कोई लेडी आई है, ये फाउंड हिम हेयर आफ्टर ऑल, मुझे ढूंढ रही थी यार ये कौन है। एक मिनट,
ओके कौन है भाई? शक्ल तो दिखा दे पहले, शक्ल दिखा दे, शक्ल दिखा दे। अच्छा, और काइंड ऑफ इज श्योर सीक द एल्डर रिंग। ओ भाई, फेस नहीं दिखाया गया। स्टोरी के साथ गेम को खेलने का ही मज़ा अलग होता है ना? तो हमारा कैरेक्टर कब उठेगा? अबे उठ जा हरामखोर, इतना इतना कौन सोता है भाई, उठ जा उठ जा। काफ़ी इधर अंधेरा है गाइस, काफ़ी अंधेरा है। सो अभी मैं उठने वाला हूँ एंड चलते हैं। एंड पता नहीं यार, वो बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा कोई आया था एंड उसको थोड़ा सा मैंने हिट किया, उसके हेल्थ थोड़ा सा कम भी हुआ था यार। मतलब उसका 100% हेल्थ में से मैंने 20% हेल्थ, मतलब 15 से 20% हेल्थ ले लिया था। बाकी ओके, सो मैं उठ चुका हूँ एंड यो बॉय, अपना गेम स्टार्ट हो चुका है। ओके, क्या मैं मिल गया यार, कुछ अलग ही चीज़ मिला है जो कि देखेंगे आगे चल के। बाकी यहाँ पे रीड करने कोई ऑप्शन दे रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए भाई, और टॉक कर सकते हैं इनसे। ये क्या है भाई, आत्मा है भाई। ब्रेव टर्निश टेक द प्लंग्स। अच्छा अच्छा ये आत्मा है भाई। ऑफ लर्निंग द रिमेम्बरेंस रिकॉल। और ये वाला पेड़ का टुकड़ा देख रहे हो गाइस? उधर भी हमने देखा था बड़ा सा पेड़ जो चमक रहा था बिल्कुल ऊपर में, वैसा ही कुछ है। आगे चलो यार, फटाफट से निकलते हैं इधर से बाहर की साइड एंड देखते हैं क्या होगा। ये दरवाजा इधर का इतना जाम क्यों लगता है भाई? ग्रीस व्रीस तेल वेल डलवाओ यार, मतलब दरवाजे के अंदर इतना इतना मुश्किल हो रहा है खोलने में। और जब लाइट किसने लगा दिया? अच्छा मोमबत्ती है ना, ठीक है। और भाई साहब क्या जगह है यार, मतलब ये कुछ भूतिया जगह लग रहा है। एक मिनट, यहाँ पर मैं टॉर्च को ग्रैब कर सकता हूँ। अच्छा जी, ऐसा भी होता है क्या? ओके ओके, सही है सही है सही है। बाकी क्या हो गया यार, लोडिंग क्यों होने लग गया? ओके गाइस, पता नहीं उससे क्या हुआ यार, बट चलो यार इधर से निकलते हैं फटाफट से। एंड भाई साहब, ये कौन सी जगह है? यहाँ पे मैं तोड़ सकता हूँ इन सब जितनी भी चीज़ें यार, खोपड़ी जैसे, इनको तोड़ के कुछ तो मिलेगा। मिल जा मिल जा मिल जा भाई, गॉड ऑफ वॉर में होता है ना ऐसा, तोड़ने पर कुछ तो मिलता है इसमें से। बाकी इधर तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। और भाई साहब, अरे अरे, अच्छा जी ऐसे ऐसे, बस पजल टाइप का थोड़ा गेम है तो हमें पजल भाई सॉल्व करना होगा। और भाई इतना अंधेरा क्यों हो गया यार? इधर अंधेरा नहीं होने का, अंधेरा नहीं मांगता अपने को। बाकी चलो यार इधर से निकलते हैं। ओके, जैसे नीचे में एरिया था बिल्कुल ऊपर में भी वैसे ही सेम सा एरिया है। चलो तो भाई ये दरवाज़ा वापस से मैं जाम दरवाजे को भाई खोलना होगा भाई, हमारा यही काम है यार गेम में, अभी नीचे से उठाना ऊपर। ओ हो, बाहर की साइड हम आ गए गाइस। नाइस 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 नाइस, क्या खूबसूरत है यार, मतलब मज़ा आ गया मज़ा आ गया। और हमारा कैरेक्टर देख रहे हो यार, असैसिन क्रीड जैसा दिख रहा है। असैसिन क्रीड का जो कैरेक्टर होता है ना, वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल देखने में, मस्त लग रहा है यार। बाकी दिख रहे हो यार, और ये जो पेड़ है हमने उस साइड से भी देखा था इस पेड़ को, तो उस टाइम अंधेरा था, अभी बाहर आ गया तो भाई अंधेरा से हट गया। और ये मोहतरमा कौन है? हेलो जी, कैसी हो? चलिए जी, आपका बात नहीं सुनेंगे हम, निकलते हैं, हमें सब समझ आ रहा है। बाकी ये क्या है? एग्जामाइन। ओके नाइस है नाइस है नाइस है, ठीक है ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, निकलते हैं इधर से हम फटाफट से। बाकी इससे मैं स्पीड भाग सकता हूँ, अच्छा इससे हम दौड़ सकते हैं, और ऐसे मारेंगे तो भाई हालत ख़राब हो जाएगा। और ऊपर में भाई मुझे एक डायनासोर जैसा कुछ दिख रहा है यार, पंख वंख उड़ रहा है, पता नहीं क्या है यार, मतलब चलना पड़ेगा उसके पास, चलना होगा। शायद वो हमारा भाई शीर्ष होगा जिसके ऊपर हम बैठ कर चल सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई फटाफट से। हेलो जी, हम आ रहे हैं भाई, वेट करना हमारा प्लीज़, हम आ रहे हैं। भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो 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 हेलो, ओ ओ उसे फाइट करना। अबे मार रहा है मेरे को भाई, अबे हट 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 साले हट, तेरी ऐसी की। ये क्या कर दिया मैंने भाई, मैंने क्या कर दिया? रुको रुको, छोड़ूंगा नहीं। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। अबे दो तीन आ गए क्या भाई, दो तीन आ गए। अबे मार देगा क्या मेरे को? रुक रुक, तेरी ऐसी की तैसी। भाई मार रहा है यार, गलत वाला मार रहा है भाई। अबे मर गया भाई, मैं मर गया। रियली यू डाइड? रियली गाइस, वापस से गेम के अंदर आ गया हूँ। और भाई ये कौन जा रहा है? अबे हेलो, अबे मार रहा है मेरे को भाई। रियली भाई, मैं तो आराम से जा रहा था यार, छोड़ दे सर, माफ़ कर दे भाई सर, माफ़ कर दे ना भाई। मैं फिर से गेम के अंदर आ गया हूँ यार भाई, मार मार मर मर के यार मूड ख़राब हो गया मेरा भाई, मैं इधर से भाग रहा हूँ। पहली बात तो भाई मेरे को भाई फाइट ही नहीं करना है भाई, गलत भाई गलत सीन चल रहा है इधर।
मेरे को फाइट नहीं करना भाई, भागो इधर से, इनको मारता हूँ, इनको इनको तो मैं मार ही सकता हूँ, इतना तो मैं हूँ ही भाई, इतना तो पावर है मेरे अंदर, देख रहे हो, इतना तो पावरफुल हूँ मैं, ठीक है, ये सब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बाकी यार वो मोटा वाला पता नहीं यार गजब सा मार रहा है यार, ये भाई इसको मैं कैसे मारूँ यार, इसे फाइट नहीं करूँगा मैं जा रहा हूँ। मेरे को लगा यार ये लोग मेरे साथ बातचीत करेंगे यार, दोस्ती वोस्ती करेंगे, समझ रहे हो ना, पर इधर तो पिटाई होने लग जा रही है मेरी। सो पिटाई करने का बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है, तो चलते अंदर की साइड हम भाई स्टोरी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ओके क्या है भाई ये जगह, टॉर्च में ले सकता हूँ एंड वापस जा सकता हूँ पीछे की साइड। और ये क्या है भाई, ये कौन है, टॉक, हेलो। ओके गाइस, तो ये जो है बेसिकली हमें कोई कोई चीज़ें बेचता है, हमारे काम की चीज़ें बेचता है, हम इसे सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो हमारे काम का नहीं है सेल कर सकते हैं, और जो जो हमारे काम का है उसको खरीद सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी कोई पैसे वैसे है नहीं यार, हमने कुछ अभी कुछ उखाड़ नहीं रखा है, सो अभी क्या ही खरीदेंगे हम, आगे चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, कितने पैसे बच रहे, 5 है हमारे पास, 5 का कुछ नहीं मिलेगा, भागो भाई, हमें उस मोटे गेंडे को हराना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक लगता है उस मोटे गेंडे को हराना ज़रूरी है, ठीक है ना भाई। इसके पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ, उसको पता भी नहीं है भाई, एक मिनट आ रहा हूँ भाई, कैसे उस पर हमला करूँगा मैं, एक मिनट 5 चलते हैं, ये ले भाई, 2 बार मार दिया इसने, क्या मोटा गेंडा उसका भाई, कितना भारी भरकम है। 5 minutes later गाइस, मैं जब भी उधर से जा रहा हूँ यार वो मार दे रहा है मुझे यार, पता नहीं क्यों, तो मैंने यार दूसरा रास्ता ढूंढ लिया भाई, मैं शहर से नहीं जाऊँगा, मैं अंदर जाऊँगा एंड अंदर ही सबको मारते हुए चलेंगे जो भी हमारे बीच में आएगा। सो ऐसा कुछ रहने वाला सीन, बाकी यहाँ पे मैं जो है गेम वगैरह सेव कर सकता हूँ अपना। सो यहाँ से भी हम निकलते हैं ऐसे करके एंड आगे से कोई रास्ता मिल जाएगा, और जो मोटा सा गेंडा ना मिले यार, वो बहुत परेशान कर रहा है। और यहाँ पे कौन है ये, हेलो तुम कौन हो भाई, ओ भाई कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे ही मार दिया मैंने इसको, वाओ ऐसा बॉस तेरी भी ऐसी की तैसी होने वाली है, ये ले भाई एक बार में क्लियर। अबे तू क्या कर रहा है, तुम लोग यार मतलब किसको रख दे भाई, खाना वाना दो यार इनको खाने के लिए, कैसे बॉडी गार्ड है भाई, ये तो कुछ करने ही वाले नहीं भाई साहब। एक और रास्ता में देखने को मिल गया, बहुत ही सही मस्त रास्ता देखने को लग रहा है यार, चलो तो इधर से निकलते फटाफट से, और वहाँ सामने कौन है, ओके एक बॉडी गार्ड है जिसको भी हम धोने वाले हैं। अबे आ जा, तेरी तू थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, तेरे से मजाक नहीं कर रहा मैं, तू मेरे को स्ट्रांग लग रहा है बाबा, तेरी बजा दूंगा, सामने से हटा भाई उसको, सील को तो हटा, सील को कौन हटाएगा, ये ले, अब मेरे पे हमला कौन करेगा भाई, मर गया क्या, अच्छा मर गया, ओके तेरे को मैं बताता हूँ, ये ले, चल नीचे गिर जा, वाह भाई गया भाई वो सब नीचे गिर, भाई ये जगह देख रहे हो हमारे माइनक्राफ्ट में होता है ना नेदर पोर्टल, वो ऐसा ही कुछ है भाई, पोर्टल है लगता है, चलो भाई अंदर चल के देखते हैं, ओ भाई पोर्टल है भाई, अबे एक अलग ही जगह मेरे को निकाल दिया, सोल्जर ऑफ गॉड ग्रीक गॉडरिक, ओ सोल्जर आ रहा है भाई, इसका हेल्थ कितना ज़्यादा है भाई, इसको मार पाऊंगा मैं, ले तेरी भाई बहुत गलत मार रहा है गाइस, ये कितना ज़्यादा बड़ा है यार, अरे इसको मैं मार नहीं पा रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अबे हट 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 हट, अबे रुक तेरी बजा दूंगा मैं, गया, ओ भाई गया। गाइस ये देख रहे हो कौन सी जगह, वहाँ पे देखो यार, मतलब एक कैसल जैसा महल बना हुआ है, कुछ कैसल के अंदर भी जा सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं यार, ये मतलब तो मुझे नहीं लगता उतना वायलेंट लोग होंगे, मुझे मारेंगे, और यहाँ पे एक गाड़ी जैसी कुछ लगी हुई है यार, मतलब यार ऐसे गेम में गाड़ी वाड़ी कुछ ऐसा होना, चलो तो यार चल के देखते हैं, बिल्कुल GTA वाली वाइब लेने वाले हैं हम, गाड़ी वाड़ी चलाएंगे, देखते हैं यार ये गाड़ी कुछ और है, पुराने ज़माने में गाड़ी हुआ करती थी क्या। और भाई साहब ये कौन है यार, मतलब मुझे सबसे डर लगा, ये लोग भाई पता नहीं कब मेरे पे अटैक करने लग जाए भाई, मेरे को पता नहीं है भाई, कोई फ्रेंडली नहीं है इधर, बाकी ओए होए मस्त लग रहा है, अबे भागो भाई सब अटैक कर रहे हैं यार एक दूसरे पर, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आने लग गया यार मेरे पास, आने लग गया, भागो भाई, ये लोग शरीफ लोग नहीं है यार कहीं पे, भाई सब लोग यार अटैक कर रहे हैं भाई, मैं कहाँ जाऊँ फिर। और भाई मैं एक चीज़ तो समझ गया, इनसे फाइट नहीं लेना है, कोई मतलब नहीं बनता है, इनको छोड़ कर भी जा सकते हो गेम के मतलब अंदर, तो ऐसा नहीं कि इनको भाई मारना ही ज़रूरी है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कैसल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज कैंसल के अंदर चलते हैं और देखते हैं यार कैसल के अंदर क्या होने वाला है। और मुझे यार इस गेम का एनवायरनमेंट भाई बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, सच बता रहा हूँ भाई, जितनी भी चीज़ें हैं ना अभी, जो मैंने अभी छोटा सा गाड़ी वाड़ी देख कर गया, वो भी भाई मस्त लग रहा था बिल्कुल देखने में, पता नहीं वो चलाने को कब मिलने वाला है,
बाकी ओ भाई साहब गेट तो बहुत बड़ा सा है। गेट खुला है क्या? एक मिनट, गेट शायद तो खुला हुआ है। अच्छा गेट तो खुला है भाई, अंदर हम जा सकते हैं। भाई अंदर पता नहीं जाने के बाद क्या होने वाला है। स्टॉर्म गेट। ओ भाई ऊपर कौन है? ओ ओ भाई साहब, भाई भागो, भाई भागो, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। चलो गाइज हम यहाँ तक तो आ गए, एटलीस्ट हमें पता चल गया यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इससे तो हमें फाइट लेना ही लेना पड़ेगा। तो गाइज हमने आज के एपिसोड में गेम को हमने एक्सप्लोर किया है, हमने गेम के मैकेनिक्स को समझाया, हमने गेम के थोड़े से मैप को एक्सप्लोर किया है, हमने जितने भी भाई छोटे छोटे एनिमीज आते हैं, बड़े बड़े एनिमीज आते हैं उनको समझाया। एंड एपिसोड 2 में हम प्रॉपरली गेम को खेलने वाले हैं एंड इसका कंप्लीट करने वाले हैं स्टोरी, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। इसका स्टोरी तो मुझे अच्छा लग रहा है कुछ, बट इसका पार्ट 2 मैं तभी लाऊंगा, स्टोरी मैं तभी कंप्लीट करूंगा जब ये गेम आपको पसंद आएगा। तो कमेंट सेक्शन में गाइज लिखो आपको ये गेम कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा था यार कमेंट सेक्शन में लिख दो, इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगा, एंड नहीं अच्छा लग रहा तो वो भी लिख दो, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखो।